नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे सभी देशवासियों को, सभी दिल्ली वासियों को बहुत बहुत ढेर सारी दिल से शुभकामनाएं। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, आज ही के दिन 15 अगस्त को। हर साल हम लोग 15 अगस्त को उन सब लोगों को याद करते हैं जिन लोगों ने देश को आज़ाद कराने के लिए खूब त्याग किया था, तपस्या की थी, अपनी जान की कुर्बानी दी थी। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद, न जाने कितने लोगों ने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। बाबा साहब अम्बेडकर, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, न जाने कितने लोगों ने अपना पूरा जीवन में त्याग किया, तपस्या की, अपना करियर बर्बाद कर दिया और देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जवानी में लग गए। देश आज़ाद होने के बाद 1947 से लेके आज तक पिछले 73 साल में इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए भी बहुत लोगों ने कुर्बानी दी है। आज भी बॉर्डर के ऊपर न जाने कितने सैनिक अपनी जान कुर्बान करके हम लोगों को सुरक्षित रखे हुए हैं। आज जब आप खुली हवा में सांस लेते हैं, आज़ादी के साथ सड़कों पर टहलते हैं, आज़ादी के साथ ये जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हमें एहसास भी नहीं होता कि कितने सैनिक बॉर्डर के ऊपर अपनी जान कुर्बान करके हमें ये आज़ादी बख्शते हैं। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा चाइना के बॉर्डर के ऊपर हमारे 20 सैनिक चाइना के साथ दो दो हाथ करते हुए शहीद हो गए। आज का दिन उन सब लोगों को भी याद करने का दिन है जिन लोगों ने पिछले 73 साल में इस आजादी को बरकरार रखने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उन्हें याद कीजिए, उनके परिवार ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी उन्हें याद कीजिए, और इस आज़ादी को बरकरार रखने में हमें भी अपना योगदान देना है। एक तरफ जहां ये सैनिक देश के बॉर्डर के ऊपर अपनी जान कुर्बान करके हमें आज़ादी बख्शे हुए हैं, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम देश की प्रगति में अपना योगदान दें। वो लोग बॉर्डर के ऊपर हमारी आज़ादी बरकरार रखने के लिए अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं, हमें देश के अंदर रह के हर नागरिक को एक तरफ उनकी कुर्बानी को याद करना है, उनकी कुर्बानी को सलाम करना है और अपना अपना योगदान देना है। आज 15 अगस्त के दिन अगर हम केवल औपचारिक रूप से 15 अगस्त मनाकर अपने अपने घर चले जाएंगे तो ये ठीक नहीं होगा। हमें भी अपनी तरफ से देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान देना है। तो मैं आज आप लोगों से तीन चीजों की दरख्वास्त करता हूं। पहली चीज, आज हम प्रण ले सकते हैं कि हम अपने जीवन में कभी कोई भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, ना रिश्वत देंगे ना रिश्वत लेंगे। भ्रष्टाचार करना, रिश्वत लेना, रिश्वत देना देश के साथ गद्दारी है, भारत माता के साथ गद्दारी है, उन सब सैनिकों के साथ गद्दारी है जो देश के बॉर्डर के ऊपर अपनी जान कुर्बान करते हैं, उन सब लोगों के साथ गद्दारी है जिन लोगों ने अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान कुर्बान की। भगत सिंह के साथ गद्दारी है, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ गद्दारी है, सुभाष चंद्र बोस के साथ गद्दारी है। तो एक तो हमें यह प्रण लेना चाहिए कि हम ना रिश्वत देंगे और ना रिश्वत लेंगे। दूसरा, प्रदूषण। हमें यह प्रण लेना चाहिए कि हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे जल या वायु का प्रदूषण होगा। अगर आज हम अपनी धरती को प्रदूषित करते हैं, अगर आज हम अपने जल को प्रदूषित करते हैं, हम अपनी वायु को प्रदूषित करते हैं, ना केवल हम अपने देशवासियों की जान के साथ खेल रहे हैं बल्कि आने वाले जनरेशन, आने वाली पीढ़ियों की भी जान को हम दांव पे लगा रहे हैं। तो दूसरा, हमें ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे हम जल, वायु या पृथ्वी को प्रदूषित करें।
और तीसरा काम हम कर सकते हैं कि अपने देश को साफ सुथरा रखना है, गंदगी नहीं फैलानी। मैं कई बार ये सोचता हूं कि जब हम सड़क पे निकलते हैं, दो मिनट नहीं सोचते, कुछ खाया और सड़क के ऊपर कुछ भी फेंक दिया। ये सड़क भी तो अपनी है। जितनी पब्लिक प्लेसेस हैं, पब्लिक प्लेसेस के ऊपर अपने घर में नहीं फेंकेंगे, अपने ड्राइंग रूम में नहीं फेंकेंगे, लेकिन सड़क पे निकल के तुरंत कुछ ना कुछ फेंक देंगे। तो हमें अपने देश को साफ सुथरा रखना है। ये तीन चीजें हमें याद करनी है, तीन चीजों का आज 15 अगस्त को हमें प्रण लेना है। तभी हम ये सोच सकते हैं कि हम उन लोगों के कुर्बानी को सच्चे तरीके से याद कर रहे हैं जिन लोगों ने हमें आजादी दिलाई और जिन लोगों ने हमें आज देश को आजाद रखने में अपनी कुर्बानी कर रहे हैं। एक बात और आपके साथ मैं आज स्वतंत्रता दिवस के ऊपर करना चाहता हूं। पूरा देश और पूरी दुनिया इस टाइम महामारी से जूझ रही है। पूरे देश के अंदर कोरोना फैला हुआ है, पूरी दुनिया के अंदर कोरोना फैला हुआ है। ऐसे समय कहते हैं कि मानव जाति के इतिहास में इतनी बड़ी महामारी कभी नहीं आई, इतनी बड़ी विपदा मानव जाति के इतिहास में कभी नहीं आई। 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था, वो भी काफी बड़ा था, लेकिन बताते हैं कि कोरोना की ये महामारी उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी है। सब लोग जूझ रहे हैं इससे, कई लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में मुझे दिल्ली के लोगों के ऊपर गर्व है, ऐसे में मुझे मेरे दिल्ली वासियों के ऊपर गर्व है कि दिल्ली के लोगों ने अपनी सूझबूझ से, अनुशासन से, मेहनत से, हम सब दिल्ली वासियों ने मिलके कोरोना पे कुछ कुछ कंट्रोल कर लिया। मैं ये नहीं कहूंगा पूरी तरह से कंट्रोल हो गया है, क्योंकि ये ऐसी महामारी है जिसका किसी को कुछ नहीं पता कि ये कल क्या रूप धारण कर लेगी। अभी फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है दिल्ली के अंदर। आज हम दिल्ली में 100 टेस्ट करते हैं तो 2 महीने पहले 35 लोग बीमार निकलते थे उसमें, आज 100 टेस्ट करते हैं तो 6 लोग बीमार निकलते हैं। आज दिल्ली के अंदर कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या में भारी कमी आई है। 2 महीने पहले जहां रोज 100 से ज्यादा मौत हो रही थी, आज दिल्ली के अंदर 20 से भी कम मौत हो रही है। इसको भी कम करना है, इसको जीरो लाना है, एक भी मौत नहीं होनी चाहिए कोरोना की वजह से। उस दिशा में भी सब लोग लगे हुए हैं, लेकिन काफी कमी आई है। आज दिल्ली में 90% से ज्यादा लोग जो कोरोना से संक्रमित हुए थे वो ठीक होकर घर जा चुके हैं। केवल 7% लोग बीमार बचे हैं, उनका भी इलाज चल रहा है, भगवान करेगा वो भी जल्दी स्वस्थ होंगे। तो दिल्ली में हम सब लोगों ने मिलके, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मिलके कई स्टेप्स उठाए। सबसे अहम स्टेप था कि हम लोगों ने टेस्टिंग खूब कर दी, गली गली के अंदर हमने टेस्टिंग की सुविधा दे दी कि जिसको टेस्ट कराना है वो टेस्ट करा सकता है। और टेस्ट कराने के बाद अगर कोई बीमार था, अगर उसको थोड़े से लक्षण थे, माइल्ड लक्षण थे, एसिम्प्टोमेटिक था, उसका घर पे इलाज किया, उसको ऑक्सीमीटर घर पे पहुंचा दिया, उसका घर पे इलाज किया। और अगर उसमें सीवियर लक्षण थे, ज्यादा बीमार था, ज्यादा तकलीफ थी, उसके लिए अस्पताल में बेड्स का इंतजाम कर दिया, खूब बेड्स का इंतजाम कर दिया। आज हमारे सारे बेड खाली पड़े हुए हैं। तो ये 3-4 कदम बड़े बड़े हम लोगों ने दिल्ली में उठाए, जिसकी वजह से आज स्थिति नियंत्रण में नजर आती है। देश भर में इस टाइम कोरोना विकराल रूप धारण कर चुका है। 60,000 से ज्यादा केस डेली आ रहे हैं, 1,000 से ज्यादा मौतें डेली हो रही है। मुझे बेहद चिंता होती है सोच सोच के। इसे भी हम सब लोगों को मिलके, एक साथ मिलके, इकट्ठे होके एक देश की तरह कोरोना से, कोरोना के संकट का सामना करना है। सभी सरकारें अच्छा काम कर रही हैं, सभी राज्य सरकारें अच्छा काम कर रही हैं, केंद्र सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं चूंकि दिल्ली के अंदर हम सब ने मिलके इस पे काबू पाया, मुझे लगता है कि अगर 2-3 कदम और उठाए जाएं, जो काम चल रहे हैं वो अच्छे काम चल रहे हैं, 2-3 कदम और उठाए जाएं, मुझे डर है कि अगर ये गांव-गांव में फैल गया तो देश के अंदर बड़ा विकराल रूप धारण कर सकता है। एक तो हर गांव के अंदर ऑक्सीमीटर, 2-3 ऑक्सीमीटर अगर पहुंचा दिए जाए, हर गांव के अंदर 3-4 ऑक्सीजन के सिलेंडर पहुंचा दिए जाए,
तो अगर हर गांव के अंदर कोई भी और हर गांव के अंदर टेस्टिंग की सुविधा कर दी जाए, तो हर गांव में कोई भी बीमार होता है, अगर उसके कम लक्षण है तो घर में ही उसका इलाज हो जाएगा। सांस में दिक्कत है तो उसको वहीं पंचायत घर में ऑक्सीजन सिलेंडर के ऊपर ऑक्सीजन की सुविधा दे दी जाए, और ज्यादा बीमार होता है तो उसे डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल में ले जाया जाए। ऐसा करने से हर गांव के अंदर कोरोना को नियंत्रण करने के लिए गांव में सुविधा तैयार हो जाएगी और अस्पतालों के अंदर ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा। मुझे लगता है ये 3-4 चीजें करने से काफी कोरोना को मैनेज करने में मदद मिलेगी। ये समय एक दूसरे की बुराई करने का नहीं है, ये समय किसी भी सरकार की बुराई करने का नहीं है, ये समय एक दूसरे से लड़ने का नहीं है, ये समय सब लोगों को मिलके कोरोना से लड़ने का है। सब लोग मिलके कोरोना से लड़ेंगे तो कोरोना हारेगा, आपस में लड़ेंगे तो कोरोना जीत जाएगा, हम हार जाएंगे। आइए आज हम सब लोग मिलके प्रण लेते हैं कि हम सब लोग एक देश की तरह, एक राष्ट्र की तरह इकट्ठे होके कोरोना का मुकाबला करेंगे और देश को कोरोना से सुरक्षित रखेंगे। जय हिंद।